नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। एसकेएमसीएच के आसपास के इलाके में कोरोना वायरस संक्रमित कई मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस इलाके को बनाया कंटेनमेंट जोन। नगर थाना क्षेत्र के खारघाट रोड में चोरों ने कल देर रात खाद बीज की दुकान का ताला काट नकदी समेत 5 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम। सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कई जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 4 धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। और बूढ़ी गंडक नदी स्थित आश्रम घाट में नहाने गए बच्चे की डूबने से हुई मौत। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। एसकेएमसीएच के आसपास के इलाकों में कोरोना केस सामने आने के बाद इस क्षेत्र को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। जिले में रोज नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। अहियापुर के एसकेएमसीएच इलाके में लगातार पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन ने उसे कंटेनमेंट जोन बना दिया है, जिसको लेकर एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार और नगर डीएसपी राम नरेश पासवान के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम एसकेएमसीएच के आसपास 3 किलोमीटर एरिया को बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। इस दौरान इस इलाके के रहने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करने के साथ बेवजह घरों से न निकलने की भी अपील की। एसडीओ पूर्वी ने बताया कि इस इलाके में रहने वाले लोगों को समझाया गया है। यहाँ पे कुछ कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं और उसको लेकर के कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी हो रही है। रेंज वगैरह क्या है सर डिस्टेंस? इसमें अभी फिलहाल कुल मिलाकर के इसी लोकेलिटी से इससे संबंध रखने के लिए 7 आदमी चिन्हित हो गए हैं, जिसको कि पॉजिटिव आ गया। उसको हम लोगों ने हेल्थ केयर सेंटर पे भेज दिया है, लेकिन अब उसके आधार पर जितने उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लोग हैं उसमें ये चीज़ ना फैले, उसको लेकर के कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी। एसकेएमसीएच के आसपास के इलाके को जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन बनाने के बाद इस इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। यहाँ बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं तथा यहाँ रहने वाले लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों के जरूरत के सामानों को प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि इस इलाके में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद इसे कंटेनमेंट जोन बनाने का निर्णय लिया गया है। एक दो टोले हैं एसकेएमसीएच के आसपास जहां से कि मामले थोड़ा ज्यादा संख्या में आए हैं, उन पर हम लोग नजर रखे हुए हैं और कंटेनमेंट जोन बनाने के बिंदु पर आज हम लोग निर्णय लेकर के वहां आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसको कम्युनिटी स्प्रेड हम लोग नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। सदर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कल देर रात यादव नगर बीबीगंज समेत कई इलाकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। सदर थाना की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ 4 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को कल देर रात सूचना मिली कि बीबीगंज रेलवे घुमती नंबर 2 के पास एक जर्जर मकान में शराब के ठिकाना लगाया गया है। उन्होंने टीम के साथ छापेमारी की तो वहां से 3 कार्टन शराब बरामद की गई। छानबीन में पता लगा कि उक्त शराब की खेप मरवन के मोहम्मद रईस ने ठिकाना लगाया था। उसके खिलाफ दरोगा बीके यादव के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई। इस कार्रवाई के बाद शनिवार की अहले सुबह गश्ती के दौरान एक बाइक सवार युवक को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक बोतल शराब मिली। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पताही के रविंद्र के यहाँ से शराब लाया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करते हुए शराब की खेप पकड़ी। उसकी निशानदेही पर 2 अन्य धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम पते का सत्यापन किया जा रहा है। शराब की गिनती फिलहाल चालू है। सूचना मिली थी कि यादव नगर में कुछ लोग शराब का व्यापार करते हैं, शराब छुपा कर रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर छापामारी किया गया था, जिसमें एक जगह से करीब 25 कार्टून कुछ लूज कार्टून भी शराब बरामद किया गया। दूसरी जगह से एक बोरा में शराब बरामद किया गया और इससे पूर्व भी शाम में 3 कार्टून शराब बरामद किया गया था। करीब 30 कार्टून शराब बरामद किया गया है और 4-3-7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कितना? 7? 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। 5 मोटरसाइकिल भी सीज की गई। बूढ़ी गंडक नदी स्थित आश्रम घाट में नहाने गए बच्चे की डूबने से मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने बच्चे के शव को पानी से बाहर निकाला। सिकंदरपुर ओपी इलाके के आश्रम घाट स्थित शनिवार को दोपहर नहाने के दौरान जोगिया मठ मोहल्ले के निवासी महेश सहनी के 10 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार की बूढ़ी गंडक नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद
मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी मृतक के परिजनों और स्थानीय पुलिस को दी। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में साथ में नहाने गए मृतक मोहित के बड़े भाई रोहित ने बताया कि मोहल्ले के लड़कों और अपने भाई के साथ घर से छुप के पिछले 2 दिनों से नदी में नहाने जा रहा था और आज भी नहाने के लिए गया था। नहाते नहाते ज़्यादा पानी में चला गया और डूबने लगा। बचाने के लिए वो भी ज़्यादा पानी में डूबने लगा। शोर मचाने पर आसपास के लोग नदी में कूदकर एक भाई को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे को पानी से निकाला गया। निकालने के ही क्रम में वह बेहोश था, जिसके बाद लोगों ने उसे लेकर आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। आधा एक घंटा पहले। कहां से आए हो तुम लोग नहाने? जोगिया मठ। अच्छा, प्रतिदिन आते हो? नहीं, 2 दिन आया। अच्छा, तो आज क्या हुआ है? कल आए हुए थे, ठीक ठाक चल गए थे। अच्छा, आया तो आज आया तो क्या हुआ? कौन डूब गया? मोहित कौन है? मेरा भाई है। रेड क्रॉस के सभागार में AES को लेकर जिलाधिकारी ने समुचित पोषण आहार योजना की शुरुआत की। शनिवार को रेड क्रॉस सभागार में AES चमकी बुखार से ठीक हुए बच्चों को समुचित पोषण आहार योजना के तहत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं रेड क्रॉस के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि AES चमकी बुखार से ज्यादातर बच्चे कुपोषण के कारण बीमार होते हैं, इसलिए समुचित पोषण आहार योजना के तहत उनके बीच खाद्य सामग्री भेजी जा रही है। रेड क्रॉस के माध्यम से हम लोग जो AES प्रभावित बच्चे हैं, जो कि ठीक होकर के अभी घर गए हैं हॉस्पिटल से हमारे, उन सभी को एक हम लोग फूड पैकेट बना करके दे रहे हैं। उसमें चूड़ा, गुड़, दाल, मूंगफली, ये सब चीज़ें उसमें हैं। बिस्किट का 2 पैकेट, सत्तू का 1 पैकेट, विक्रम, ये सब एक पैकेट बना करके उन बच्चों को हम लोग दे रहे हैं कि ठीक होने के बाद उनके पोषण की स्थिति ठीक हो, जल्दी से वो रिकवर कर जाएं। और दूसरा, जो कमज़ोर या बीमार बच्चे हैं उनकी हम लोग आइडेंटिफिकेशन उनका कर रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें उन बच्चों की भी सूची हम लोग गाँव वाइज, विलेज वाइज प्राप्त कर रहे हैं। उनको भी हम लोग फूड पैकेट बना करके एडवांस में उन लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि उन बच्चों को कुछ पोषण उपलब्ध रहे और इस प्रकार का जो स्थिति है उससे बेहतर ढंग से सामना कर सकें। वही रेड क्रॉस के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह ने बताया कि कुपोषण के कारण कोई बच्चा AES चमकी बुखार से पीड़ित ना हो, इसलिए रेड क्रॉस हर संभव मदद करेगी। क्रॉस में लोग जो डोनेट कर रहे हैं, मनीष मीना जी नगर आयुक्त और हम जिलाधिकारी के आदेश से, और ये इस से प्रभावित बच्चे को और COVID-19 का जो है उन लोगों को दिया जा रहा है। महादलित बस्ती में बांटा जा रहा है। AES के जो बच्चे गड़बड़ा गए हैं, बीमार से अच्छा होके गए हैं, उनके घर पर पौष्टिक भोजन बांटा जा रहा है। साथ ही जो भी टीकाकरण में जो लोग आ रहे हैं शहर से, देहात से, उन लोगों को बच्चे के लिए ग्लूकोन डी दिया जा रहा है, तो बच्चे को मीठा चीज का आदत दिलावे, खाली पेट रात में न सोए। मैट्रिक की परीक्षा में जिले का नाम रोशन करने वाले छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। देखिए रिपोर्ट। शनिवार को समरणालय सभागार में मैट्रिक परीक्षा में सफलता का परचम लहराने वाले जिले के होनहार छात्र छात्राओं को जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी जिलाधिकारी के द्वारा दी गई। जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2020 में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा, क्षमता, लग्न और धैर्यशीलता को प्रमाणित किया है। SB हाई स्कूल सकरा के मोहम्मद शाहबाज ने 468 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं कुढ़नी के उत्क्रमित विद्यालय करमचंद, रामपुर बलरा के छात्र सुजीत कुमार ने 461 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि SRSH उच्च विद्यालय सरफुद्दीनपुर के मेहबूबी खातून एवं RK हाई स्कूल पाड़ू के अंजुम आरा ने
संयुक्त रूप से 458 प्राप्तांक प्राप्त कर जिले में तृतीय स्थान हासिल किया है। SB हाई स्कूल जगदीशपुर भगवान मुजफ्फरपुर के खुशी कुमारी जी, N हाई स्कूल चंदन पट्टी के नूतन कुमारी, RPS हाई स्कूल पोखरेरा की निशा भारती, उत्क्रमित विद्यालय मझोलिया झपा के निशा कुमारी, महावीर हाई स्कूल मटिहानी के योगेश कुमार, इन सबों ने 454 अंक हासिल कर जिले में चतुर्थी स्थान हासिल किया। वहीं RKRD हाई स्कूल के पंकज कुमार, RK हाई स्कूल पारू के नदीम आलम और RK हाई स्कूल मीनापुर के ऋषि राज, इन सबों ने 453 अंक प्राप्त कर जिले में पांचवा स्थान हासिल किया है। समानालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। अपने DM से रूबरू हो बच्चे काफी हर्षित दिखे। DM ने भी उनका स्वागत दिल खोल कर किया। मौके पर उपस्थित बच्चों ने जिलाधिकारी से कई सवाल भी पूछे, मसलन आपका हॉबी क्या है, प्राप्तांक अंक को प्रतिभा से कैसे कंपेयर किया जा सकता है, जीवन में विपरीत परिस्थितियां आने पर इंसान को क्या करना चाहिए, IAS कैसे बना जा सकता है के साथ आध्यात्मिक सामाजिक और आर्थिक विषयों पर भी बच्चों ने सवाल पूछे। सभी सवालों का जवाब जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। जिलाधिकारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम आत्मविश्वास से जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा उत्पन्न होता है। मेहनत करें और उसे कंटिन्यू रखें, तभी सफलता आपकी कदम चूमेगी। जीवन में कुछ बनकर दिखाएं ताकि आपके पेरेंट्स के सपने साकार हो सके और समाज तथा देश के निर्माण में आप अपना योगदान दे सके। मौके पर अपर समाहर्ता राजेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी विमल ठाकुर, जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह के साथ बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। ये हम लोगों के जो माध्यमिक परीक्षा में जिले के टॉपर बच्चे थे, फर्स्ट से फिफ्थ रैंक तक जिन बच्चों की आई थी, उन लोगों को हम लोगों ने आज बुलाया था यहाँ समाहरणालय में। कुल 12 बच्चे हैं 1 से 5वीं रैंक में जिले में, और उन सभी को हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया है। उनसे बातचीत की है, उनको मोटिवेट किया है कि भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करें, और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज बुलाया था। मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किए छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता की राज सिटी न्यूज के साथ साझा की। शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह से सम्मान प्राप्त करने के बाद जिले के मैट्रिक परीक्षा 2020 के टॉपरों से सिटी न्यूज की संवाददाता अर्पिता परमार ने खास बातचीत की, जिसे जिला टॉपरों ने अपनी तैयारियों को लेकर चर्चा की। सो इन दिस सीजन ऑफ ग्रेट मार्क्स एंड ग्रेट अचीवमेंट हम आप पहुंचे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास टॉपर्स के पास, तो आइए उनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है, कितने मार्क्स आए आपके? बहुत अच्छे। कितने परसेंटेज आए हैं आपके? 91.6। इतने अच्छे मार्क्स आने के पीछे किसी न किसी का हाथ तो जरूर होता है। किसने आपको सपोर्ट किया एग्जामिनेशन के टाइम? माँ बाप, सर। तो इतने अच्छे मार्क्स आए आपके, आप कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ में पहली बार मेरा ड्रीम था ऐसा कुछ करके दिखा दी। अच्छी बात है। तो क्या जो भी आपके जूनियर्स हैं उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? यही कि वो लोग भी अपने लाइफ में कुछ करके दिखाएं, अपने गांव, अपने माँ बाप, सर, सबका नाम रोशन करके दिखाएं। अच्छा, उनकी बात आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। आपको क्या लगता है रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है? तो रिवीजन मतलब हम याद की आज उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी, आज या तो उसको कल रिवीजन करना, आगे कुछ याद करने से पहले जो याद उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी, तभी वो हमें याद रहेगा। तो आइए बात करते हैं निशा कुमारी जी से, कैसा लग रहा है आपको, इतने अच्छे मार्क्स आए आपके? मैं बहुत गर्व फील हो रहा है खुद पे। अच्छा, और आपको क्या लगता है रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या होता है एग्जामिनेशन के टाइम? एग्जामिनेशन के टाइम थोड़ा ज्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि अच्छे मार्क्स आए। ओके, और जो आपके जूनियर्स हैं जो अभी 10th में अपीयर हुए हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? देते हैं कि उन्हें ज़्यादा बेटर पढ़ना चाहिए। अच्छे मार्क्स आए आपके, आपके इतने अच्छे मार्क्स आने के पीछे क्या राज है बताइए? सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना। ओके, आपको क्या लगता है NCERT बुक काफ़ी है 10th क्लास के एग्जामिनेशन के लिए, अदर बुक्स भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके? कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन टॉपर्स, हमारे सहयोगी विकास कुमार के साथ अर्पिता परमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खड़ा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है।
इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच जेईई मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाए जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स तो हमारे यहाँ अवश्य पधारे। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735। या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, सुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। IITZ, NET, AIIMS, NTSE, जहाँ किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने सवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से, या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे।
तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेस बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर पंकज मार्केट सरैया गंज मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं मिठनपुरा चौक मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूँ। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के अखाड़ा घाट स्थित खाद्य बीज की दुकान का ताला काट कर चोरों ने नकदी समेत लाखों की संपत्ति की चोरी की घटना को दिया अंजाम। जिले में चोरों का दहशत जारी है। प्रतिदिन कहीं न कहीं बंद दुकानों तथा घरों को निशाना बनाकर चोर चोरी की घटना को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कहीं न कहीं बढ़ रहे चोरी की घटना को रोकने में असफल साबित हो रही है। ताजा मामला नगर इलाके से एक और चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट सब्जी मंडी ढुलानी स्थित एक खाद्य बीज की दुकान को निशाना बनाते हुए नकदी समेत लाखों की संपत्ति चोरों ने चोरी कर ले गए। चोरों ने चोरी की घटना को उस वक्त अंजाम दिया जिस वक्त दुकान बंद था। इधर घटना की शिकायत मिलने पर सिकंदरपुर ओपी प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। घटना के संबंध में दुकानदार तथा कोल्हुआ पैगंबरपुर निवासी विनय कुमार सिंह ने बताया कि प्रतिदिन की तरह शुक्रवार की शाम को भी दुकान बंद कर घर चले गए और जब आज सुबह 7 बजे दुकान खोलने आए तो देखे कि दुकान का दोनों ताला काटा हुआ है और जब दुकान के भीतर जाकर देखा तो दुकान में रखे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और दुकान में रखे 48,000 नकदी समेत लाखों की सामान गायब था, जिसके तुरंत बाद उन्होंने सिकंदरपुर ओपी में मामले की शिकायत को दर्ज करवाया है। सुबह में जब 7 बजे दुकान पे आए तो देखे कि दोनों शटर के दोनों ताला जो है ना शटर में लगा हुआ नहीं था। फिर इधर उधर लोगों को बताए और खोजबीन किए तो देखा कि बगल में जो है ना ताला ईटा के बीच में फेंका हुआ है। फिर वहाँ से ताला जब निकाले तो देखे कि दोनों ताला जो है ना वो कटा हुआ है और उसके बाद जो है ना हम दुकान का शटर खोले नहीं, पहले हम सिकंदरपुर ओपी पे जाके इसकी सूचना दिए। वहाँ से हमको बोला गया कि चाहिए आप दुकान खोलिए, शटर उठाइए और हम अभी साथ में पीछे से आ रहे हैं। हम जब यहाँ पहुँचे शटर खोले तो देखे कि दुकान का जो है ना गल्ला जो है ना दोनों उखड़ा हुआ है और गल्ला पूरा सामान छिटाया हुआ है। बढ़िया से देखने के बाद पता चला कि हमारी दुकान से लगभग 5 लाख रुपये का सब्जी बीज की चोरी की गई है। तत्पश्चात थाना सिकंदरपुर ओपी आए और देखने के बाद जो है ना हम प्राथमिकी दर्ज कराने क्या कुछ गायब क्या कुछ हुआ है। सब्जी का बीज गायब हुआ है, फूलगोभी का बीज है, भिंडी का बीज है, जो हाइब्रिड बीज है, जो कीमती बीज है और नकदी गल्ला तोड़ करके 48,500 रुपए के आसपास। सामान कितने का? सामान 5 लाख रुपए का। अखाड़ा घाट पुल के समीप एक घर में बीते 15 मई को चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने दो चोरों को किया गिरफ्तार। बीते 15 मई को अधिवक्ता के घर से मोटर की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। दरअसल बीते 15 मई को सिकंदरपुर ओपी के समीप स्थित झील नगर मोहल्ले के अधिवक्ता राघवेंद्र श्रीवास्तव के घर से चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने शुक्रवार को देर शाम छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पूछताछ के क्रम में चोरों ने चोरी की हुई मोटर को किसी गुड्डू नामक युवक से बेच देने की बात कही है, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। घटना के संबंध में अधिवक्ता राघवेंद्र ने बताया
कि बीते 15 मई को वह घर पर सो रहा था और जब सुबह में उठे तो देखे कि जिस घर के अंदर सोए हुए थे उसी घर का दरवाजा बाहर से बंद कर चोर बरामदा में लगाए 26,000 की मोटर चोरी कर पीछे से भाग निकले थे। भागने के क्रम में पीछे के घर वालों ने चोर को मोटर ले जाते हुए देखा था, जिसके बाद इस घटना की जानकारी पड़ोस वालों ने अधिवक्ता राघवेंद्र को दी थी। काफी खोजबीन के बाद न मिलने पर अधिवक्ता ने मामले की शिकायत सिकंदरपुर ओपी में दर्ज करवाया था। पुलिस कब से तलाश रही थी दोनों चोरों को, इसी क्रम में शुक्रवार की देर शाम पुलिस ने इन दोनों चोरों को अखाड़ा घाट से गिरफ्तार कर लिया। 16 तारीख के रात में 1:30 बजे की बात है, हम घर में सोए हुए थे, वहाँ घर के दरवाजा को बाहर से बंद कर दिया और मोटर खोल करके मेरा पाइप तोड़ करके ले गया और आंगन की चार दीवारी ट्रप करके उठ पर गया। पूरा अघनिया देवी सब थी, वो लोग रात में देख रही थी, उन लोगों ने पूछा कि कौन सब है, कहा कि दादी हम बैटरी ले जाए थे। अच्छा, उसके बाद सभी लोग आए कल होकर के रात में सवेरे में जो है हमने किरण में सर्वेंट है मेरा, उसको हमने फोन किया तो वो चाहा दिवाही तरफ के एक बच्चे को भेजा, तब गेट खुला तो हम बाहर निकले। उसके बाद बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, सबके सामने में उन लोगों ने बताया दो आदमी का नाम, उस दो आदमी पर हमने थाने में FIR किया, वो दोनों रात में धरा गया। जिले में AES से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर की। शनिवार को समरणालय में जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह के द्वारा AES चमकी बुखार से संबंधित जागरूकता अभियान को लेकर लगभग 25 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि 385 तीन पहिया वाहनों के माध्यम से भी विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों के पंचायतों में AES चमकी बुखार से बचाव के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस प्रकार कुल 410 वाहनों से 410 पंचायतों में AES चमकी बुखार को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर आयुक्त मनीष कुमार मीना, आपदा प्रबंधक विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सिविल सर्जन, जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। AES हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारे मुजफ्फरपुर जिले के लिए, और इसके लिए हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। दो स्तरों पर हम लोग मुख्य रूप से काम कर रहे हैं, एक तो इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो, जिसके लिए हमारे मेडिकल कॉलेज में, PSC में, सदर हॉस्पिटल में, सभी जगह बेड की पर्याप्त संख्या, दवा, डॉक्टर सबकी पर्याप्त संख्या हम लोग सुनिश्चित कराए हैं। दूसरा, लोगों में जागरूकता हो कि जल्दी से जल्दी वो बच्चे को लेकर के अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो हॉस्पिटल आ जाएं हमारे, और दूसरा उनको बच्चों को बचाएं इस भीषण गर्मी में। तो दो स्तरों पर हम लोग काम कर रहे हैं, एक जागरूकता फैलाने का और दूसरा इलाज की मुकम्मल व्यवस्था। आज का जो कार्यक्रम है वो जागरूकता फैलाने का जो हमारा कार्यक्रम है उसी की कड़ी में ये है। हम लोगों ने आज कुल 25 गाड़ी जो है माइक के साथ यहाँ से जिला समाहरणालय से अभी फ्लैग ऑफ किया है और वो पंचायतों में जाएंगे और पंचायत में घूमेंगे। इसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक प्रखंड से पंचायतवार गाड़ी इसी तरह से माइक के साथ फ्लैग कर रहे हैं। आज हमारे सभी BDO, CO, CDPO, MOIC, BHM ये सभी लोग वहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो कुल 385 पंचायत में 385 हमारे छोटे वाहन हैं, विशेषकर इसमें टेम्पू हैं, और 25 यहाँ से हम लोगों ने जिला स्तर से भेजा है और सभी पंचायतों के सभी गांवों में ये कार्यक्रम होगा। पूरे 3 दिन तक माइकिंग की जाएगी माइक के माध्यम से और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अब चूंकि तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, उनको बाहर धूप में, लू में नहीं निकलने दें और उनको अगर कोई लक्षण चमकी बुखार का दिखता है तो तुरंत वो नज़दीकी जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लेकर के आएँ, समय बर्बाद नहीं करें। इस जागरूकता के लिए हम लोगों ने आज ये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया है। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर महिला के मौत के मामले पर रामबाग मोहल्ले निवासी अविनाश कुमार ने रेल मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सोनपुर मंडल के DRM पर CJM कोर्ट में परिवाद दायर किया।
विभिन्न टीवी चैनलों पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मृत महिला के साथ बच्चे को खेलते देख आहत होकर मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग मोहल्ला निवासी अविनाश कुमार ने सीजीएम कोर्ट में शनिवार को पीयूष गोयल, भारत सरकार के रेल मंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री और सोनपुर मंडल के डीआरएम पर परिवाद दायर किया। अविनाश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रवासियों को बुलाने के लिए रेल सेवा शुरू करने की मांग की थी, जिसे रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीकार कर रेल सेवा शुरू की, पर इन तीनों की बद इंतजामी के कारण एक महिला और एक मासूम बच्चे की मौत से दुखी होकर उन्होंने परिवाद दर्ज कराया है, जिसका एक उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला कि हमारे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक श्रमिक एक्सप्रेस जो अहमदाबाद से आई थी, जिस पर एक अरविना नाम की महिला अपने एक डेढ़ साल के मासूम बच्चे के साथ और परिजन के साथ आ रही थी, उनकी मृत्यु ट्रेन के अंदर में हो जाती है। ट्रेन में होती है या जांच का विषय है, लेकिन हमें दुख इस बात का हुआ कि मुजफ्फरपुर जंक्शन पर जिस तरीके से लापरवाही के तहत उनकी सब को प्लेटफार्म पर छोड़ दिया गया, जिस सब के साथ उसके छोटे से बच्चे जो खेल रहे थे, उसका जो फोटो वायरल हुआ सम्मानित अखबारों और न्यूज चैनलों के माध्यम से, जो आप लोगों ने दिखाने का काम किया, समाज को आईना देने का काम किया, इससे मैं मर्माहत हुआ और मुझे लगा कि ये तो एक बहुत बड़ी अपराध है, क्योंकि व्यवस्था तंत्र के गलत संचालन के वजह से उस महिला की मौत हुई है। उससे भी पहले एक 4 साल का मासूम रहमत नाम का बच्चा भी ऐसे ही मौत के शिकार हो गया था। कई मौतें हुई हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन पर देखने को मिला है। इसी को लेकर के हमने कल अनशन भी किया था और माननीय उच्च न्यायालय के जो हमारे अधिवक्तागण जो व्यवहार न्यायालय के थे, इन्होंने कल आकर के हमें अनशन स्थल पर आश्वासन दिया कि यह न्यायालय का मुद्दा है, आप अनशन तोड़िए और आइए न्यायालय में, हम आपको न्याय दिलाएंगे। इसी बात को लेकर के मैं आज यहाँ आया और माननीय व्यवहार न्यायालय के कोर्ट में मैंने एक परिवाद दायर करने का काम किया। वही परिवादी के अधिवक्ता मनोज सिंह ने बताया कि विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी सुनवाई की तिथि 16 जून की तय की गई है। अविनाश कुमार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से एक परिवाद नालसी दायर किया गया है, जो कि इसमें इन्होंने पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, उसके बाद जो सोनपुर मंडल के जो प्रबंधक हैं उनके ऊपर और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा किया गया है और जिन धाराओं में किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।